ओके तो दिस, हाँ जी दिस इज माय फर्स्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन एवर। मैंने आज तक जितने भी स्मार्टफोन यूज करे वो सारे यूज करे 10,000-12,000 मैक्सिमम, मैंने इससे ज्यादा यूज ही नहीं करे। पता सब फोनों के बारे में कि कौन से के अंदर क्या है, बट मैंने खुद कभी यूज नहीं करा था। कि किस चीज की दिक्कत से, जैसे मैंने सुना था ना इसकी ये प्राइस है, मैंने सोचा भाई इसे तो बाय करना ही करना है। फर्स्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं लिया मैंने एप्पल, नहीं लिया मैंने सैमसंग, मैंने कहा सब कुछ मिल रहा है, टॉप नॉच हार्डवेयर जब मिल रहा है तो क्यों हम इसके अंदर इन्वेस्ट ना करें। हाँ मुझे पता है शाओमी का स्मार्टफोन है, काफी लोग इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, बट मैंने करा भाई। क्यों करा, आगे आपको पता लग जाएगा क्या क्या है इसके अंदर। और ये होने वाला है सिर्फ इस फोन का इंप्रेशन, अगर आपको रिव्यू देखना है तो उसका अगली वीडियो आएगी, आप उसका वेट करना। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो ना इस फोन के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला जो मैं रिव्यू बनाऊंगा ना इसका बिल्कुल इन डेप्थ, उसके अंदर मैं आपका क्वेश्चन कवर कर दूंगा। सो जो मेन हाईलाइट है ना स्मार्टफोन का वो है भाई देखो इसका कैमरा। कैमरा इसका टॉप नॉच है। हां जी दोस्तों, मेरे को इसका कैमरा एक नंबर का लगा, मतलब इतनी ज्यादा फोटोज में क्लिक कर चुका हूं ना सीरियसली। और जिसको भी मैंने इसकी फोटोज दिखाई है ना सब आया कि यही कह रहे हैं कि भाई मेरी ले दे, भाई मेरी फोटो ले दे। मैं परेशान हो चुका हूं, 256 में भरने वाला है, 256 GB के साथ आता है ये। तो यही बात है, इसका जो मेन हाईलाइट है वो इसका कैमरा है। लाइका के साथ अबकी बार जो पार्टनरशिप करी है ना भाई कंपनी ने, सीरियसली दिखती है भाई, ऑन पेपर ही नहीं दिख रही। जो आपको दिखती है ना रियल लाइफ में, जो बंदा हाथ में फोन लेता है और फोटोज क्लिक करता है तो भाई उसका मन करता है फोटोज क्लिक करने का। और फोन का कैमरा अगर अच्छा है तो आपको बार बार फोटो क्लिक करने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। तो और यही होता है मेरे साथ, मतलब जहां भी जा रहा हूं मैं फोन निकालता हूं, शटर बटन दबाया, जहां भी जाता हूं क्लिक करता हूं, जहां भी जाता हूं फोटो लेता हूं। मतलब इतनी ज्यादा फोटो ले चुका हूं मैं, खुद परेशान हो चुका हूं कि मतलब फोटोग्राफर ही ना बन जाऊं, ठीक है। तो ये था इसका देखो मेन हाईलाइट कैमरा, और कैमरे के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये स्मार्टफोन आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, और क्या ही बेहतरीन गेमिंग होती है। S Fold 9 मैंने खेलना शुरू किया इसके अंदर, अल्ट्रा मैक्स सेटिंग, फुल प्रीमियम एक्सपीरियंस, कोई भी दिक्कत नहीं आती, नो फ्रेम ड्रॉप्स, कुछ भी नहीं, हीट करता है हल्का सा। टॉप नॉच डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, और क्या ही बेहतरीन पैनल है। मतलब सूरज की डायरेक्ट रोशनी में भी इतनी अच्छी पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है ना, 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, और सफिशिएंट ब्राइट है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इस फोन को देख रहे हो। और अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। 80,000 रुपए आप दे रहे हो, 80,000 रुपए में आपको एल्यूमिनियम बिल्ड देखने को मिल रही है, और फोन भाई सीरियसली सॉलिड लगता है, भारी नहीं है, काफी ज्यादा इसको हैंडी है। मतलब फोन समझ रहे हो कि मतलब ये नहीं है कि आपको चुभेगा आईफोन की तरह। मैंने आईफोन हाथ में लिया 14 Pro 14 Pro Max, मतलब यार देखो ईट है, सही बताऊं तो समझ रहे हो ईट है बिल्कुल भी, मतलब किसी के फेंक के मारोगे बंदा बेहोश हो जाएगा, मेरे को तो ये लगता है, ठीक है। कॉर्नर्स भी काफी राउंड है और बिल्कुल भी बॉक्सी डिजाइन नहीं है, जो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। कर्व डिस्प्ले भाई सीरियसली मेरे को तो काफी अच्छी लगती है, बट ये सब्जेक्टिव होती है ओपिनियन, आपका भी कुछ और हो सकता है, आपको कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं हो सकती है, पर देखो मेरे को तो सीरियसली बहुत अच्छी लगती है। सॉलिड फील होता है, भारी बिल्कुल भी नहीं है, एक हाथ से आप इजीली यूज कर सकते हो। हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर हाँ इजीली मैं तो यूज कर पा रहा हूं, मेरे को तो दिक्कत हो नहीं रही, और होल्ड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो फिंगरप्रिंट है ना पीछे यार ये बहुत लग जाते हैं इसके, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, ठीक है। इसलिए मैं कवर लगा के रखता हूं, मोस्टली ट्रांसपेरेंट केस लिया मैंने, अगर आपको वो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। और पीछे की तरफ आपको देखने को मिलता है बायो सिरेमिक कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस, ठीक है, तो वो देखने को मिलता है। फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिलता है, विक्टस 2 नहीं आया, कॉस्ट कटिंग कर रखी है, पर कोई बात नहीं। 4820 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो सफिशिएंट बैटरी है, इतनी भी दिक्कत नहीं है। चार्ज जो होता है ना भाई, चार्जिंग क्या स्पीड है, बेहतरीन स्पीड है भाई सीरियसली। 120 वाट के फास्ट चार्जर के साथ स्मार्टफोन आता है, तो और क्या चाहिए भाई, 1.5 घंटे पहले चार्जिंग की आदत लगी हुई थी तो वही आदत जाती नहीं है, उसको निकालता हूं इतने 100% हो जाती है। Xiaomi से जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब Xiaomi इतना तगड़ा स्मार्टफोन बना देगी, और Leica के साथ पार्टनरशिप करने के बाद जो कैमरे की फोटोज आई है भाई सीरियसली भाई, इसके अंदर एक तो पोर्ट्रेट मोड जो है भाई कैमरे के अंदर टॉप ऑफ द लाइन भाई, टॉप ऑफ द लाइन, इतना बढ़िया लगा ना मुझे। मतलब एक तो इसके अंदर आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट 35mm में, और आपको 50mm में एक बोके मोड देखने को मिलता है, एक 75mm में पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, एक 90mm में शॉर्ट फोकस, जो कि सबसे बकवास है, ठीक है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। पर 75 और 50mm में क्या ही फोटोज आती है, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कुछ क्लिक्स है, ये क्लिक्स इससे ही आई है सारी, और थोड़ी सी एडिटेड भी आप देख सकते हो। मतलब मुझे तो भाई इसका जो पोर्ट्रेट मोड है ना सबसे बढ़िया लगा है, और वैसे भी स्मार्टफोन की वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है और ओवरऑल कैमरा भी मेरे को अच्छा लगा। हाँ कहीं कहीं जो सिचुएशन होती है वहां पे मार खा जाता है यार, देखो ऑब्वियसली बात है एप्पल तो है नहीं, एप्पल जितनी वीडियो क्वालिटी तो है नहीं, पर भाई काफी ज्यादा इंप्रूव कर रखा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लो लाइट में ग्रेन नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी दिक्कत एंड्रॉइड में यही रहती है, इसके अंदर मेरे को ग्रेन देखने नहीं मिली, जो मेरे को सबसे अच्छा लगा। तो कैमरे मामले में अच्छा काम करा है, और फुल रिव्यू में आपको इसके मैं काफी सारे शॉट्स दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा कि स्मार्टफोन का कैमरा कैसा है, कैमरे के अंदर कैसा काम कर रखा है कंपनी ने। सो हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्मार्टफोन के बारे में। अगला जो रिव्यू बनाऊंगा इसका इन डेप्थ, उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।